अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको मास्क बताने जा रही हूँ वो है स्किन वाइटनिंग मास्क। ये मास्क मैं आपको ड्राई और ऑयली दोनों स्किन के लिए बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट से। पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें आपने शामिल करना है वो है बेसन। बेसन जो है वो ऑयल को रिमूव करता है आपकी स्किन से। ये एंटी पिंपल्स है, आपकी टैन को रिमूव करेगा, आपकी तमाम डेड स्किन को रिमूव करेगा और न्यू स्किन आपके लेकर आएगा। तो ये बेस्ट मास्क है आपके लिए। ये आपकी ब्लैक हेयर्स को, आपकी ब्लीमिशेस को, आपके रिंकल्स को बेसन जो है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। आपने बेसन लेना है और फिर उसके साथ आपने लेना है कुकम्बर। कुकम्बर यानी खीरा। आपने खीरे को कट कर लेना है, उसे आपने एक ब्लेंडर में डालना है और आपने उसे ब्लेंड कर लेना है। मैंने पूरा कुकम्बर लिया है, उसको अपने ब्लेंड किया था, उसमें से मैंने फिर 2 टेबल स्पून जो है उसका पेस्ट ले लिया है। जब आप कुकम्बर को ब्लेंड करेंगे तो आपने उसको स्ट्रेन नहीं करना, आपने उस पूरे मिक्सचर को ऐसे ही लेना है। आप देख रहे हैं कि मेरा जो ये पेस्ट बना हुआ है ये बिल्कुल वैसे मैंने इसको स्ट्रेन नहीं किया हुआ, इसलिए आपको भी इसको ऐसे ही उसके पेस्ट को लेना है। कुकम्बर जो होता है ये आपकी प्रीमेच्योर एजिंग को रोकता है। अगर आप यंग दिखना चाहती हैं, इवन कि आप भी मिडल एज में भी जाके आप टीन एज की स्किन चाहती हैं तो कुकम्बर जो है ये बेस्ट सोल्यूशन है। ये आपकी स्किन के अंदर से रेडनेस को रिमूव करता है, स्वेलिंग को रिमूव करता है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि खीरे के अंदर पानी का कंटेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी स्किन जो ड्राई आउट हो जाती है और बिल्कुल ही फेड होना शुरू हो जाती है उसको कंट्रोल करता है ये। इसके अलावा आपके अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट हैं या एक्ने के स्पॉट पड़ चुके हैं तो उसको लाइट करेगा, यानी स्किन वाइटनिंग का काम करेगा आपकी स्किन पे। ये जो है नए सेल की ग्रोथ करवाएगा और पुरानी स्किन को रिमूव कर देगा, यानी स्क्रबिंग भी बहुत अच्छे तरीके से आपके फेस पे करेगा। इसके साथ जो आपने ऐड करना है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर है वो अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। आप ये आपकी जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं उसको आपकी स्किन से रिमूव कर देता है। अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बताने जा रही हूँ। 2 टेबल स्पून आपने लेने हैं बेसन, 2 टेबल स्पून लेना है आपने कुकम्बर का पेस्ट, जो कि आपने घर में खुद बनाना है ब्लेंडर के अंदर। बहुत इजी है बनाना, जस्ट ब्लेंड करना है आपने ब्लेंडर के अंदर खीरे को, और देन आपने लेना है रोज़ वाटर। चलें अब मैं इन तीनों चीज़ों को आपस में ये देखिए मैंने तीनों चीज़ों को कर लिया है ऐड। कुकम्बर में मैंने बेसन डाला, देन मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है। रोज़ वाटर जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करना है। मैंने जस्ट 1 टेबल स्पून उसके अंदर ऐड किया है, 2 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून कुकम्बर का पेस्ट और 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर, और इसका मैंने एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। ये जो मास्क मैंने आपको बताया है वो है ऑयली स्किन के लिए। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि बेसन जो है वो आपकी स्किन के ऑयल को रिमूव कर देता है और एक नेचुरल ग्लो आपके फेस पर लेके आता है। जब ये तीनों ग्रीड ऐड होंगे आपकी स्किन को वाइट करेंगे और तमाम जो है स्पॉट्स के जो निशान पड़ जाते हैं, डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं, उनको लाइटन कर देंगे और आपकी न्यू स्किन की प्रोडक्शन करवाएंगे, जो कि आपकी स्किन को और ज़्यादा यंगर और ब्यूटीफुल दिखाएगी। इसके साथ ही ये मास्क जो है आपने अप्लाई करना है अपने फेस पे 20 मिनट्स के लिए। ये मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ऑयली स्किन के लिए। अगर ये आपकी स्किन है ऑयली तो ये मास्क आप बिना झिझक अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप स्किन वाइटनिंग चाहती हैं, ये आपकी स्किन के को तमाम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ सब कुछ आपने ऐड करना है जिसे मैंने आपको बताया है, और ये आपको 20 मिनट्स के बाद इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके फेस पे आप खुद देख सकेंगी। अब मैं आपको मास्क बताने जा रही हूँ ड्राई स्किन के लिए। अब जिनकी स्किन ड्राई है वो इंग्रेडिएंट नोट कर लें। उन्होंने लेना है कुकम्बर का पेस्ट 2 टेबल स्पून, क्योंकि कुकम्बर जो है वो प्रीमेच्योर एजिंग को रोकता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो ये जो कुकम्बर है ये परफेक्ट आपकी स्किन के लिए है, क्योंकि इसके अंदर वाटर का कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप स्किन पे अप्लाई करेंगी तो ये डिज़ायर क्वांटिटी में उसे हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, स्किन के ऊपर से ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो आपने ऐड करना है वो आपने 1 टीस्पून ऐड करना है, टेबलस्पून ऐड नहीं करना, जस्ट 1 टीस्पून, यानी 2 टेबलस्पून आपने लेना है कुकम्बर, देन आपने उसमें ऐड करना है 1 टीस्पून आलमंड ऑयल, और देन थर्ड इंग्रेडिएंट जो आपने उसमें ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए। इसके अंदर वाइटामिन ई का कंटेंट पाया जाता है, ये स्किन को वाइटन करती है आलमंड ऑयल के साथ मिलकर। आलमंड ऑयल के अंदर भी वाइटामिन ई होता है, ये दोनों जब एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड किए जाते हैं देन से स्किन को वाइटन करते हैं। और कुकम्बर जो है
ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन के टोन को लाइटन करता है, क्योंकि ये वाइटनिंग मार्क्स बता रही हूँ, तो इन सब का फंक्शन ही है आपकी स्किन को वाइट करना। स्किन चाहे ओली हो या ड्राई हो, वाइटनिंग तो दोनों को चाहिए। तो ये मार्क्स जो है वो ड्राई स्किन के लिए है। पहले जो मैंने आपको मार्क्स बताया था वो था ओली स्किन के लिए, ये मार्क्स है ड्राई स्किन के लिए। आपने 2 टेबल स्पून लेने हैं कुकम्बर का पेस्ट, 1 टीस्पून लेना है आपने आलमंड ऑयल और 1 टीस्पून ही आपने लेना है एलोवेरा जेल। चलिए अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट को ऐड करती हूँ। चलिए मैंने तीनों कर लिया है ऐड। ये है कुकम्बर का पेस्ट, ये ऊपर आपको ऑयल ऑयल नज़र आ रहा है, ये है आलमंड ऑयल और ये है एलोवेरा जेल। अब मैं इन तीनों को अच्छे से कर लूँगी मिक्स। मैं फोक से मिक्स करती हूँ क्योंकि फोक जो है वो अच्छे तरीके से चीज़ों को आपस में मिक्स कर देता है। आलमंड ऑयल जो है ये आपकी स्किन को इवन टोन करेगा, आपके स्कार के जो आपको निशान पड़ जाते हैं, स्कार्स होते हैं एक्ने के, उनको रिमूव करेगा, ड्राइनेस को रिमूव करेगा, आपकी स्किन पे रिंकल नहीं आने देगा, आपके कम्प्लेक्शन को करेगा वाइटन। कुकम्बर, एलोवेरा जेल और आलमंड ऑयल तीनों ही आपस में मिल के आपकी स्किन को एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपकी स्किन को करेंगे वाइटन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने ये मार्क अप्लाई करना है। आपने पहले अच्छे से इनको कर लें मिक्स। ये मास्क है ये आपको मैंने बताया है ड्राई स्किन के लिए। जब भी आपने मास्क अप्लाई करना है आपने 20 मिनट्स के लिए अपनी स्किन को पे लगा के रखना है। उसके बाद आपने जाके टैप वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। जब आप फेस को वॉश करेंगी तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगी कि आपकी स्किन अब ड्राई नहीं है, आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड हो चुकी हुई है। आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा, आपका आपकी स्किन की टोन जो है इवन ब्राइटन लगेगी। अच्छे रिजल्ट के लिए आपने वीक में 2 दफ़ा ज़रूर इस मास्क को अप्लाई करना है और कंटिन्यूसली आपने 3 मंथ्स तक इस मास्क को अप्लाई करना है। अगर आप चाहती हैं आपकी स्किन जो है वो नेचुरल तौर पर वाइट हो जाए, उसके अंदर ग्लो आए और सब आपसे आपकी खूबसूरती का राज पूछें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।